सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। आंगनबाड़ी बहनों, आप सभी को हमें अवगत कराते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि अपने उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से सकरन परियोजना से अपनी एक आंगनबाड़ी बहन आती हैं जिनका नाम है पिंकी, और पिंकी बहन की ये बेटी हैं जिनका उप जिलाधिकारी के पद पर चयन हो गया है, क्योंकि कल UPPSC का रिजल्ट आया था जिसमें आप सबने देखा होगा काफी जगह बच्चों ने बाजियां मारी हैं। इस बार अपनी आंगनबाड़ी बहन की एक बेटी भी है, इन्होंने भी जो है अपनी बाजी मारी है, और बहुत ही खुशी की बात है जब भी आंगनबाड़ी बहनों के परिवार से कोई भी उच्च पद पर चयनित होता है। साथ ही साथ आपको बता दें, कुमोदनी देवी बहन है, सीतापुर जिले से आती हैं, जिन्होंने अपने वहां से एक ये जानकारी ऑल इंडिया को भेजी है कि बड़े ही गर्व की बात है कि उमर कला की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं पिंकी, जिनकी बेटी का उप जिलाधिकारी पद पर चयन हुआ है, तो एक बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं हैं ऑल इंडिया की तरफ से। और साथ ही साथ आपको बता दें, इस समय और भी कुछ जानकारियां आ रही हैं, ANM की बेटी है रश्मि, वो भी उप जिलाधिकारी बनी है और ये जौनपुर में पड़ता है बदलापुर, वहीं से आती हैं। PCS में चयनित जौनपुर की बेटी रश्मि यादव SDM बन गई हैं, तो SDM रश्मि यादव भी बनी है, और पिंकी बहन की जो आंगनबाड़ी बहन अपनी है पिंकी, उनकी बेटी वो भी जो है SDM बनी है। तो ऐसे में आप सब भाई बहनों को कहना चाहूंगा कि दो रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ, गरीबी दूर करने का एक यही जरिया है शिक्षा। अगर शिक्षा है, बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे तो कुछ ना कुछ नाम कर पाएंगे, और अपनी लोगों की तो जिंदगी जो रही सो रही, बच्चों से ही उम्मीदें हैं, वहीं पढ़कर के कुछ बन सकते हैं और शायद हालात बदल सकते हैं। तो अपने बच्चों को पढ़ाओ और अच्छे से पढ़ाओ ताकि जो है कभी ना कभी वो भी इस मुकाम तक पहुंचे। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये बदलापुर क्षेत्र सीड़ गांव के निवासी किसान हरिश्चंद्र यादव की बेटी कुमारी रश्मि यादव ने PCS 2022 की परीक्षा पास कर ली है, जिससे कि जिले का नाम भी उनके वहां पर रोशन हुआ है। रश्मि यादव का SDM पद पर चयन हुआ है, बहुत अच्छी बात है। भदोई के मान सिंह बने हैं श्रम प्रवर्तन अधिकारी जौनपुर भदोई, वहां भदोई में जो है ज्ञानपुर पड़ता है, जौनपुर नहीं है ज्ञानपुर, तो वही क्षेत्र से आते हैं। भदोई के लाल मान सिंह कुशवाहा ने PCS की परीक्षा में सफलता हासिल कर ली है और श्रम प्रवर्तन अधिकारी बने हैं। साथ ही जो है जंगीगंज बाजार में सटे किसुन देवपुर गांव के नंदलाल मौर्य के 7 बेटों में 4थे नंबर के हैं मान सिंह, उनकी प्रारंभिक पढ़ाई गोपीगंज और उच्च शिक्षा से जो वगैरह कराई गई है। किसान का बेटा बना DSP लालगंज मिर्जापुर। तो आप देख सकते हैं, लालगंज के जयकर कला निवासी जितेंद्र कोल UPPCS परीक्षा में सफलता हासिल करके जिले का नाम रोशन किया है। जितेंद्र का चयन DSP के पद पर हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है भाई। ये एक आर्टिकल जो देखने को इस समय सब जगह से मिल रहे हैं, ये काफी जो है सुखदाई है। अब दोस्तों चलते हैं आगे, और भी खबरें आपको बताते हैं। आगे आप देख सकते हैं, सलमा भी बहन है मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से आती हैं, उन्होंने लाडली बहना योजना से जुड़ी हुई कुछ बातें कही हैं जो आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि अविवाहित होना चाहिए, यानी अविवाहित नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। योजना का पात्रता की जो शर्त है उसमें एक ये सबसे बड़ी शर्त है कि जो है विवाहितों को ही योजना का लाभ मिलेगा, यानी अविवाहितों को नहीं मिलेगा, इसीलिए लिखा गया कि अविवाहित नहीं होना चाहिए। उम्र जो है 23 से 59 वर्ष के बीच में ही होनी चाहिए। 59 के ऊपर वाली आंगनबाड़ी बहनों, आपको लाडली बहना के तहत 1,000 रुपया नहीं मिल पाएगा, तो 11,500 ही मानदेय आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा, जब सरकार पैसा सम्मेलन के माध्यम से बढ़ाएगी और आगे उसका सरकारी आदेश आएगा। इधर बात करते हैं, 2.5 लाख से कम साल की अगर इनकम है तभी आपको ये मिलेगा, आयकरदाता नहीं होना चाहिए। तो आयकरदाता के लिए तो अब नियम बदल गया है, 7 लाख हो गया है, ठीक होता नहीं है, होता 3 लाख ही है, 3 लाख के ऊपर, 3 से 6 के बीच में पड़ता है 5%, और फिर 6 से आपका ऊपर पड़ता है 7-8 तक, वो आपका 10%, ऐसे ही चलता है, 6 या 9 हो तो ऐसे सिस्टम चलते हैं। तो आप सोच लो यहां पर, तो ये फिलहाल के लिए 7 से कम है तो इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, तो 2.5 लाख तक इसीलिए यहां पर दर्शाया गया है क्योंकि 2.5 लाख ही पहले तक जो है इसकी सीमा रखी गई थी, अब वो 2.5 से बढ़कर के 3 हो गई, तो शायद
इन फ्यूचर यानी भविष्य में आपका 2.5 से बढ़ा करके 3 लाख इसको भी सरकार कर सकती है, लेकिन अभी ऐसा है नहीं, आगे होगा तो खुद ही बताया जाएगा। 5 एकड़ भूमि से ज्यादा नहीं होना चाहिए, खेत वगैरह जिनका 5 बीघे से अगर ऊपर है तो उनको भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। केंद्र या राज्य कर्मचारी नहीं होना चाहिए, तो ना ही हम लोग केंद्र कर्मचारी हैं ना ही हम लोग राज्य कर्मचारी हैं, इसीलिए आंगनबाड़ी बहनों को इस योजना में सरकार ने जोड़ रखा है। 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, तो अगर 4 पहिया वाहन आपके घर में है तो भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सशक्त हैं और आपको लाडली बहना योजना के 1000 रुपए की आवश्यकता नहीं है। तो साथ ही लाडली बहना योजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मानसेवी में आती हैं, इसीलिए आंगनबाड़ी बहनें पात्र हैं, लेकिन अविवाहित जो है पात्र नहीं है, यानी जिनकी शादी नहीं हुई है वो पात्र नहीं मानी जाएंगी, और 60 साल से ऊपर की पात्र भी नहीं मानी जाएंगी। 59 तक रखा, यानी 60 वाली और 60 से ऊपर वाली आप कह सकते हैं बहने वो योजना से बाहर रहेंगी। 30 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे और 10 जून से 1000 रुपया महीना मिलेगा। तो अभी अप्रैल चल रहा है, 8 अप्रैल हो गया है, 30 अप्रैल तक फॉर्म भर लो जिनको भी भरना हो, इस तरह की पात्रता रखती हो एमपी में, और उनको 10 जून से पैसा भी 1000 मिलने लग जाएगा। तो एक ये बहुत ही अच्छी बात है मध्य प्रदेश सरकार जो कि वहां पर महिलाओं और बेटियों के लिए इतना कर रही है। अब बेटियां तो नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर अविवाहित शब्द जोड़ दिया गया, तो महिलाओं के लिए ही एक तरह से मान लीजिएगा, लेकिन इस योजना को नाम दिया गया लाडली बहना योजना। तो अब बताओ अगर अविवाहित लोगों को योजना का लाभ यहां पर नहीं मिलेगा तो फिर ये लाडली बहना योजना क्यों रखी गई? महिलाओं के आधार पर कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए था। खैर, इधर देखिएगा, शशि किरण बहन है, मेरठ से आती हैं, और उन्होंने अपने वहां से कहा कि भैया जो 354 रुपया इनका जो है 8 तारीख को, आज 8 अप्रैल को कट गया है। भैया जी, हमारे अकाउंट से इतने रुपए कटे हैं, क्या हमारा बीमा शुरू है चल रहा है, कृपया बताएं। इंडियन ओवरसीज बैंक का मैसेज है, मेरठ से मेरा नाम शशि किरण है। तो बहन, ऐसे तो हम नहीं बता सकते आपका जो है बीमा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पैसा कटा है तो आपको कटने से पहले खुद ही वो आते होंगे, मैसेज आते होंगे, तो उससे ही आपका अनुमान लग पाएगा। 354 रुपया इनका कटा है। किसी को कुछ कहना हो इस मामले में तो ऑल इंडिया के कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो में कह सकते हैं, ताकि बहन अपना कमेंट चेक कर लेंगी तो शायद उनको कुछ पता चल जाए। इधर बात करते हैं, निकहत परवीन बहन की बलिया से आती हैं, और बहन ने कहा कि भैया जी बहुत ज्यादा दुख है, कारण इसका यह है कि एक तो इनका रोजा चल रहा है और ऊपर से मानदेय भी इनको नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान है विभाग से, और सिर्फ काम चाहिए विभाग को, और इस तरह से स्वास्थ्य विभाग की ट्रेनिंग थी उसमें भी जो है दस्तक अभियान का, तो बहन वहां पर भी पहुंची, रोजा भी चल रहे, और मानदेय देने में उत्तर प्रदेश सरकार और विभाग हमारा थोड़ा कह सकते हैं लापरवाही जरूर बरत रहा है। हाँ, एक बात और है, इस बार छुट्टियां भी ज्यादा देखने को मिली है, जिस वजह से शायद आपके जो वर्किंग डेज है वो आपके अभी कम काउंट हो पाए हैं, तो अभी थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा। अभी देखो कल संडे पड़ जाएगा, फिर से छुट्टी, तो इस बार छुट्टियां ज्यादा देखने को मिली। निकहत परवीन बलिया से आप देख सकते हैं, वहां पर ये स्वास्थ्य विभाग की वाली जो मीटिंग कराई जा रही है दस्तक अभियान से जुड़ी हुई, सभी आंगनबाड़ी बहने वहां पर मौजूद रही है। आगे ले चलते हैं, आपको बता दें पन्ना जिले से आंगनबाड़ी बहन है, उन्होंने जिनका नाम है आपको बता दें कि गीता प्रजापति, और बुलंद आवाज नारी शक्ति यूनियन से हैं। वो कुछ कहना चाहती हैं उत्तर प्रदेश की बहनों के लिए कि मैं पन्ना जिला मध्य प्रदेश से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आपकी खबरों को देखती हूं एवं शेयर भी करती हूं। भैया जी, उत्तर प्रदेश की बहनें सभी मिलकर के एक ही यूनियन का साथ रहें, जिससे संख्या अधिक हो, और संख्या अधिक होने से ही संगठन की शक्ति का प्रदर्शन होता है। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती गीता प्रजापति, जिला पन्ना मध्य प्रदेश से, यूनियन का नाम बुलंद आवाज नारी शक्ति है इनका, और हमारे जिला अध्यक्ष का नाम उन्होंने कहा है कि प्रिया द्विवेदी है, तो बहुत अच्छी बात है। यही तो सब बहनों को सोचना है, अगर आप एक मंच पर एक जगह रहेंगी एक यूनियन के साथ में जो अच्छा हो, तो ही आपकी ताकत सरकार को दिखाई देगी। गवर्नमेंट को चाहिए वोट बैंक, सीधी सादी बात है, कोई तरह की बकवास नहीं है, क्योंकि यही सच है और यही राजनीति है और इसी की सत्ता को जरूरत है। तो सब हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से ही बहनों देखता है, तो सरकारें भी वही देखती हैं, उनको भी चाहिए। अगर भीड़ नहीं है, संख्या बल नहीं है, तो आपकी मांगों पर विचार नहीं होगा, आपके पास ताकत नहीं है, संगठन नहीं है संगठित, तो फिर आप कैसे अपनी बात को मनवा पाएंगे। इधर बात करते हैं, 10 करोड़ से बनेंगे 83 नए आंगनबाड़ी केंद्र, और ये सोनभद्र जिले का मामला है। अपने आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश में सुनील भाई जी ने इसको पोस्ट किया था। 1264 केंद्र प्राथमिक विद्यालय और पंचायत भवन में हो रहे हैं संचालित, और जैसा कि आप देख सकते हैं एक भवन पर 12 लाख की राशि खर्च की जाएगी, तो काफी पैसा एक भवन के लिए खर्च हो रहा है। केंद्र पर एक कार्यकर्ता और एक सहायिका की तैनाती होगी,
815 आंगनबाड़ी केंद्रों का ही है अपना भवन। तो आपको बता दें सोनभद्र जिले का कुछ मामला आप देख सकते हैं, जो कि जिले में 10 करोड़ रुपए की लागत से 83 नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे, जिसको लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। मनरेगा, पंचायती राज और ICDS की तरफ से भवन बनाने के लिए धन दिया जाएगा। इसको लेकर के जल्द ही कार्यदायी संस्था चयनित की जाएगी और जिले में 1264 आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन और किराए के भवन में संचालित हो रहे हैं। अपना भवन बनाने को लेकर के विभाग की तरफ से काम शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर के जिले में वर्तमान में 83 आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण 9,96,00,000 रुपए की लागत से कराया जाएगा। प्रत्येक भवन पर 12,00,000 रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस लागत में 2 कमरे और 1 बरामदा भी बनेगा। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और महिलाओं को बाल विकास पुष्टाहार विभाग की योजनाओं का लाभ देने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन होता है और प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर 1 कार्यकर्ता और 1 सहायिका की तैनाती भी होती है, जिनकी जिम्मेदारी है कि वह अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करें और 6 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करें और आवश्यकता अनुसार उन्हें शासन से मिलने वाली खाद्य सामग्री का लाभ प्रदान करें। इसके अलावा गर्भवती धात्री महिलाओं का भी सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने में उनका मदद करें। महिलाओं और किशोरियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें, समय समय पर अभियान चलाएं, बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करें। इसके अलावा 3 वर्ष से 6 साल के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर निःशुल्क शिक्षा दें और इन कार्यों में व्यवधान ना आए, इसके लिए शासन आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भवन का निर्माण जो है कराया जाएगा। राजीव सिंह जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं सोनभद्र के, उन्होंने कहा कि जिले में 83 नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे, इसको लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। मनरेगा, पंचायती राज और ICDS की तरफ से प्रत्येक भवन के लिए 12,00,000 रुपए की राशि दी जाएगी, जल्द ही काम शुरू करा दिया जाएगा। तो ये कुछ चीजें वहां से निकल करके भाइयों बहनों आ रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको एक खबर और देना चाहेंगे, फैसला बड़ा है, PDS के तहत मिलेगा फोर्टिफाइड चावल। तो बताया जा रहा नई दिल्ली से खबर है कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को तेज करते हुए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पूरे देश में फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। सरकार ने तय किया है कि वह मार्च 2024 तक यह लक्ष्य हासिल कर लेगी। अभी तक सरकार 27 राज्यों के 269 जिलों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 45 चावल उपलब्ध करा रही थी। अब PDS के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा। खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग के सचिव है संजीव चोपड़ा, उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि TPDS के तहत 45 चावल वितरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। 1 अप्रैल से PDS के तहत सभी लाभार्थियों को 45 चावल उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 31 मार्च 2024 तक की सभी को 45 उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। उस पर उम्मीद है कि खाद्य मंत्रालय तक जो है वक्त से पहले लक्ष्य अपना हासिल कर लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार वर्ष 2024 तक चरणबद्ध तरीके से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सभी को 45 चावल उपलब्ध कराएगी। तो सरकार का पूरे देश में 31 मार्च 2024 तक इसको लागू करने का लक्ष्य भी रखा गया है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, ये मालती देवी बहनें फिरोजाबाद से आती हैं और ये ममता सिंह बहनें सीतापुर से आती हैं, मुन्नी बहनें शाहजहांपुर से आती हैं, सुमन बहनें फतेहपुर से आती हैं, संजय जी हैं मुरादाबाद से और सुधा बहनें सिद्धार्थनगर से। और आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं। जाते जाते आप सब भाई बहनों को जो है धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सब बहने पूरा वीडियो को देखती हैं, लाइक करती हैं, शेयर करती हैं, जिसके लिए ऑल इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।